हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आरटीडी की। आरटीडी एक टेम्परेचर सेंसर है जिसको रेजिस्टेंस थर्मामीटर भी कहते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इसी तरह के नॉलेज से भरपूर वीडियो देखते रहने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो है आरटीडी क्या होता है, आरटीडी का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, आरटीडी को बनाने के लिए आरटीडी के सेंसर में किन मटेरियल का यूज होता है, प्लैटिनम क्यों आरटीडी में यूज होता है और टाइप्स ऑफ आरटीडी, आरटीडी कितने प्रकार के होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ आरटीडी और अंत में हम बात करेंगे एडवांटेज ऑफ आरटीडीज। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं व्हाट इज आरटीडी, आरटीडी क्या होता है। तो दोस्तों, आरटीडी होता है आर फॉर रेजिस्टेंस, टी फॉर टेम्परेचर, डी फॉर डिटेक्टर। आरटीडी मीन्स रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। तो दोस्तों, जैसा हमने पहले बताया, आरटीडी एक टेम्परेचर सेंसर है जिसका यूज हम लोग करते हैं इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए। दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा, आरटीडी का जो आउटपुट होता है वो हमेशा रेजिस्टेंस होता है जिसको कि हम ओम्स मेजर करते हैं, जबकि एक थर्मोकपल, जो कि थर्मोकपल भी एक टेम्परेचर सेंसर होता है, किंतु उसका आउटपुट हमेशा एक वोल्टेज होता है, जबकि आरटीडी का आउटपुट हमेशा रेजिस्टेंस होता है। दोस्तों, हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आरटीडी के वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में। दोस्तों, किसी भी मेटल के फिजिकल टेम्परेचर और उसके इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस में एक डायरेक्ट रिलेशन होता है। यदि किसी मेटल के टेम्परेचर में चेंज होता है तो उसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाता है। यानी किसी मेटल का टेम्परेचर बढ़ा दें तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। मेटल के इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस में होने वाला चेंज उसके टेम्परेचर में होने वाले चेंज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और यही किसी आरटीडी का वर्किंग प्रिंसिपल होता है। आरटीडी के मेजरिंग एलिमेंट के टेम्परेचर को उसके रेजिस्टेंस के द्वारा मेजर कर लिया जाता है, इसीलिए किसी आरटीडी का जो आउटपुट होता है वो रेजिस्टेंस होता है और इसको ओम्स में मेजर करते हैं। दोस्तों, यहां पर एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आता है जो कि इंटरव्यूज वगैरह में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, वो है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो दोस्तों, बात करते हैं, किसी भी मेटल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज होने पर उसके रेजिस्टेंस में जितने ओम्स का चेंज आता है ये कहलाता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। और दोस्तों, इसको हम डिनोट करते हैं अल्फा से। अब हम बात करेंगे आरटीडी सेंसर बनाने के लिए यूज होने वाले डिफरेंट मटेरियल्स के बारे में। दोस्तों, वैसे तो आरटीडी सेंसर बनाने के लिए हम प्लैटिनम, निकल और कॉपर का यूज कर सकते हैं, लेकिन आरटीडी सेंसर बनाने के लिए जो मोस्ट कॉमनली यूज मटेरियल है वो है प्लैटिनम। इसके जो मुख्य कारण है वो ये है कि इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो बहुत अच्छी हैं, इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है और ये एक्सीलेंट रिपीटेबिलिटी प्रोवाइड करता है। दोस्तों, प्लैटिनम की लीनियरिटी भी बहुत अच्छी होती है। इन सब के अलावा जो सबसे बड़ा कारण है वो है इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। दोस्तों, प्लैटिनम का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो काफी बड़ा होता है, काफी लार्ज होता है। इसका मतलब ये होता है कि पर डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चेंज होने पर इसका जो रेजिस्टेंस चेंज है वो काफी ज्यादा होता है,
जिसकी वजह से इसकी एक्यूरेसी वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों प्लैटिनम सेंसर्स तीन प्रकार के होते हैं, पीटी 100, पीटी 500 और पीटी 1000। दोस्तों पीटी 100 का मतलब ये है कि ये सेंसर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100 ओम्स आउटपुट देते हैं। पीटी 500 का मतलब है कि ये सेंसर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 500 ओम्स रेजिस्टेंस देगा। और तीसरा सेंसर है पीटी 1000, ये सेंसर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1000 ओम्स रेजिस्टेंस देता है। पीटी 1000 सेंसर को नॉर्मली टू वायर कॉन्फ़िगरेशन में यूज किया जाता है और यह सेंसर टिपिकली थिन वायर टेक्नोलॉजी में अवेलेबल होता है। करेंगे आरटीडी कंस्ट्रक्शन की। आरटीडी कंस्ट्रक्शन की बात करें तो आरटीडी को उनकी कंस्ट्रक्शन के अनुसार दो तरह से कैटेगराइज किया जा सकता है, वायर वाउंड आरटीडी और थिन फिल्म आरटीडी। टाइप आरटीडी, वायर वाउंड टाइप आरटीडी टेक्नोलॉजी में आरटीडी का सेंसिंग एलिमेंट प्लेटिनम से बने बहुत पतले वायर्स की कॉयल का बना होता है और ये कॉयल सिरेमिक से बनी एक मैंड्रेल या ट्यूब के ऊपर लिपटी होती है। इस प्लेटिनम की इस कॉयल को मेटेलिक हाउसिंग या किसी शीट से कवर कर दिया जाता है और इससे दो वायर्स निकाल दिए जाते हैं। वायर वाउंड टाइप आरटीडी टू वायर कॉन्फ़िगरेशन में इजीली अवेलेबल है। थिन फिल्म टेक्नोलॉजी के आरटीडी में एक प्लेटिनम की थिन लेयर को सिरेमिक के ऊपर डिपॉजिट कर दिया जाता है और फिर लेजर कटिंग के द्वारा इस प्लेटिनम लेयर से इलेक्ट्रिकल सर्किट बना दिया जाता है। इस इलेक्ट्रिकल सर्किट से कनेक्टिंग वायर्स बाहर निकाल दिए जाते हैं और इसके बाद इस थिन लेयर से बने सर्किट और वायर कनेक्शन को एक साथ ग्लास लेयर से सील कर दिया जाता है। थिन फिल्म आरटीडी बहुत ही रग्ड और रिलायबल होता है और ये आरटीडी जनरली इन आरटीडी का यूज हम टू वायर कॉन्फ़िगरेशन में करते हैं। तो वायर कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से आरटीडी तीन प्रकार के हो सकते हैं, टू वायर आरटीडी, थ्री वायर आरटीडी और फोर वायर आरटीडी। दोस्तों बात करते हैं टू वायर आरटीडी की। टू वायर आरटीडी आरटीडी सर्किट्स में सबसे ज्यादा सिंपलेस्ट डिजाइन होता है और इस कॉन्फ़िगरेशन में आरटीडी में केवल दो कनेक्टिंग लीड होती हैं। इस आरटीडी सर्किट में लीड वायर का जो रेजिस्टेंस है उसको कंपनसेट नहीं किया जा सकता है। इस कॉन्फ़िगरेशन में आरटीडी एलिमेंट के रेजिस्टेंस के साथ लीड वायर्स का जो रेजिस्टेंस है वो भी ऐड हो जाता है, जिसके कारण इस सर्किट डिजाइन में हमेशा कुछ एरर आता है। इसी कारण टू वायर आरटीडी को उन एप्लीकेशंस में यूज किया जा सकता है जहां पर बहुत हाई एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। थ्री वायर आरटीडी कॉन्फ़िगरेशन इंडस्ट्रियल प्रोसेस और मॉनिटरिंग एप्लीकेशंस में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला कॉन्फ़िगरेशन है। इस कॉन्फ़िगरेशन में तीन कनेक्टिंग लीड होते हैं, एक कनेक्टिंग लीड या वायर आरटीडी एलिमेंट के एक सिरे से और दो कनेक्टिंग लीड या वायर आरटीडी एलिमेंट के दूसरे सिरे से जुड़ी होती हैं। थ्री वायर आरटीडी में तीसरा लीड वायर रेजिस्टेंस कंपनसेशन प्रोवाइड करता है। थ्री वायर आरटीडी में लीड रेजिस्टेंस के द्वारा उत्पन्न होने वाली एरर्स को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इस कारण थ्री वायर आरटीडी सर्किट की एक्यूरेसी
टू वायर आरटीडी सर्किट से ज़्यादा होती है। फोर वायर आरटीडी कॉन्फ़िगरेशन सबसे ज़्यादा एक्यूरेट और सबसे कॉम्प्लेक्स वायर कॉन्फ़िगरेशन होता है। फोर वायर आरटीडी में आरटीडी एलिमेंट के दोनों एंड्स पर दो दो कनेक्टिंग लीड्स या वायर जुड़ी होती हैं। फोर वायर आरटीडी में फोर कनेक्टिंग लीड होने के कारण एक ट्रू व्हीटस्टोन ब्रिज बनता है, जिससे लीड वायर रेजिस्टेंस को एकदम मिनिमाइज किया जा सकता है। इस कारण फोर वायर आरटीडी सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी प्रोवाइड करने वाला वायर कॉन्फ़िगरेशन होता है। दोस्तों, बात करते हैं आरटीडी की एडवांटेज के बारे में। दोस्तों, आरटीडी की पहली एडवांटेज है हाई एक्यूरेसी। थर्मोकपल्स की कंपैरिजन में आरटीडी की एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है। दूसरी एडवांटेज है लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, इसकी स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है। तीसरी एडवांटेज है गुड लीनियरिटी, आरटीडीज बहुत अच्छी लीनियरिटी प्रोवाइड करते हैं। आरटीडीज इंस्टॉल करने में बहुत आसान होते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं आरटीडीज की लिमिटेशंस के बारे में। दोस्तों, आरटीडी की पहली लिमिटेशन है इसकी जो टेम्परेचर रेंज है वो बहुत लिमिटेड होती है, जो कि -200 डिग्री सेंटीग्रेड से 500 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होती है। इससे इस रेंज के ऊपर आरटीडी की एक्यूरेसी और लीनियरिटी बहुत अच्छी नहीं होती है। आरटीडीज की इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा होती है अगर हम कंपेयर करें थर्मोकपल से। आरटीडी की तीसरी डिसएडवांटेज है वो है स्लोअर रेस्पॉन्स टाइम। आरटीडी का रेस्पॉन्स टाइम थर्मोकपल के कंपैरिजन में स्लो होता है।